वन के साथ बीवी नंबर वन। एक बार जोरदार तालियां गोविंदा जी और सुनीता जी के लिए। अरे यार, अरे हमारी टीनू के लिए भी। क्या बात है, पहले मेरा भी होता था सर, मैं हाथ में नहीं आती थी। हाँ। मैं भी टीना की तरफ फटाफट आ जाती हूँ। क्या बात है यार। चाची तुम यहाँ कैसे? क्यों, जब चीची आ सकते तो चाची क्यों नहीं? ये सर मेरी ऐसे दूर की चाची, वो आए थे ना अपने चाचा पालतू से, जो उन्हीं की वाइफ है ये। नहीं नहीं सर, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। आपकी हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखी है सर, सच्ची। मतलब जब आप गरीब हीरो भी बनते थे जो बस्ती बस्ती में रहते हैं, जब आप नाचते थे खुशी से, पूरी बस्ती आपके साथ नाचती थी और सबके स्टेप सेम होते थे। मजाल है, किसी का भी स्टेप हाथ इधर से उधर जाए। और मेरी शादी में सुनीता जी 6 महीने तक कोरियोग्राफर मेरी माँ बहन चाचा चाची सबको डांस सिखाता रहा, लेकिन शादी वाले दिन उन्होंने अपना ही किया। दारू पी होगी ना उन लोगों ने। आपको कैसे पता? पंजाबियों की शादी और दारू की शादी। लेकिन वो अब तो सोशल मीडिया में भी आ जाता है ना, पहले का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं होता था। मतलब लोग तरसते थे, अरे गोविंदा मिल जाए यार, उनकी गाड़ी कैसी है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस घर में रहते हैं। और आजकल इधर भी खुजाओ ना, वो भी सुबह इंस्टाग्राम पे आ जाता है कि गोविंदा ने घुटने पे खुजाया। मैंने कल अपना फोटो डाला सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गैलरी में, नीचे कमेंट्स पता क्या है गोविंदा जी? क्या बात है, मुंह बहुत सूजा हुआ है कि कुकर में डाल के सीटियां बजाई हैं। वैसे सोशल मीडिया से एक बात याद आई, हमारी अर्चना जी सोशल मीडिया में इतनी एक्टिव रहती है ना, हमारे इस शो में 12 कैमरे है सर, लेकिन इनके पास खुद का 14 मेगापिक्सल का अपना कैमरा है। और इनका एक लड़का भी है जिसका खुद 4 मेगापिक्सल वाला मुंह है, वो भी लेके ऐसे वीडियो बनाता रहता है। एक दो बार तो इनके पैर के नीचे भी आ गई, क्या था, अच्छा लड़का, चल चल वीडियो बना। सच्ची अर्चना जी को देख के ना अपने 90s के गुंडे याद आ जाते हैं। गुंडे क्या गुंडे होते थे, मतलब मैंने वो भी देखा है गोविंदा जी, जो आपके जमाने के गुंडे होते थे उनको मतलब ऐसा बॉडी पेन बहुत रहता था ना, जब देखो सरसों के तेल की मालिश हो रही होती थी, है ना, और उनके साथ एक लड़की होती होती थी, अंग्रेज लड़की जिसका नाम होता था रोजी। रोजी का रोज यही काम होता था कि जैसे गुंडा स्विमिंग पूल से नहा के निकले उसको बाथरूम देना। और वो बेचारी काम के लिए इतनी ईमानदार होती थी सुनीता जी कि रोजी अंग्रेज थी कनाडा से, लेकिन गुंडे की भाषा समझ आई, वो कहता रोजी खाना लगाओ, कहती ओके सर। रोजी को गुंडे की हिंदी भी समझ आती थी, लेकिन मेरा पति तो हिंदुस्तानी है ना, उसको हिंदी क्या, कुछ मेरी भाषा ही नहीं समझ आती ना, वो प्यार करता ढंग से ना काम करता, एक नंबर का निकम्मा है। मैं बुलाती हूँ, सुनते हो जी, कहाँ हो? नहीं ऐसे थोड़ी होता है, बेवकूफ बैठे इधर, कर ले तू जो करना। पार्किंग 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 का क्लेश, रोज क्लेश पार्किंग का, गाड़ी ये समझाओ। हेलो कैसे हो? एक मिनट समझाओ इसको। एक मिनट, किससे लड़ रहे थे अभी उधर? वही पार्किंग का पंगा, वही गाड़ी का, बात मानता नहीं पड़ोसी, वो बात करो से। पर आपके पास तो गाड़ी है नहीं, इसीलिए तो लड़ रहे थे। पड़ोसियों से लड़ लड़ के बोलते हमारे घर के आगे गाड़ी लगाओ ताकि लोगों को लगे हमारी गाड़ी, गाड़ी है। एक मिनट। हाँ। गाड़ियां तो मैं रातों रात 10 ले आऊं। अच्छा। लेकिन वो सीसीटीवी का कैमरा पकड़ा जाता है बंदा, आजकल बड़े पंगे हो गए। देखा, चोरी चकारी की बातें करा लो सुनीता जी, ये बंदा मेहनती नहीं है। इसने ना मेरे पापा से 25,000 रुपया लिया हुआ है, आज तक इस बंदे ने वापस नहीं किया। ओए होए, तेरे पापा को इतना याद है कि 25,000 रुपया दिया है वापस लेना है, बेटी का कोई ख्याल नहीं, कब से यहाँ बैठी है, वापस लेके जानी है। हेलो, शर्म आप करो। क्यों? क्योंकि शादी के बाद लड़कियां ससुराल जाती हैं। ये पहला बंदा था जो मेरे घर आके रहने लग गया। सर आपकी फिल्म देखी थी साजन चले ससुराल, मैं सोचा हम क्यों रेंट पे रह रहे हैं। मैं सच कहूं सुदेश सर, अभी तो तू ना ये शो चला रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा देश में जितने शो चल रहे होंगे ना वो तू ही चलाएगा। गोविंदा जी आपकी इस बात में इनके 100 फॉलोवर बढ़ जाएंगे, और फॉलोवर के ये इतने भूखे हैं ना, सच्ची बताऊं फॉलोवर की बात, गोविंदा जी इन्होंने ना हेमा मालिनी के नाम का अकाउंट बनाया हुआ है, लोगों से बातें करते हैं ये।
गोविंदा जी पहला मैसेज भी इसके बाप का ही आया था, कहता है कृपा है भगवान की, मैं धर्मेंद्र की आवाज निकाल लेता हूँ, मुझे पहचान लो, हे माँ जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि धर्म जी की ऐसी आवाज ही नहीं है। हाँ तो अपने पापा को बताना, उन्होंने निकाली है, उनको सिखा। और तू भी कुछ सीख, इसको इतनी अकल नहीं है। मैंने सोचा कि चल यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते हैं, इसको ले गया मैं कैंडल लाइट डिनर करवाने, वहां पे कैंडल खा गई। बिल्कुल खा गई मैं कैंडल, मैं मानती हूँ, क्योंकि वो कैंडल लाइट में इनकी शक्ल इतनी गंदी लग रही थी कि मैं उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। चलो मैंने कैंडल खा ली, खाना खा लिया, बाद में वेटर बिल देने आया ना, तो कहता सर बिल, कहते लास्ट डेट क्या है बिल भरने की। उन्होंने फिर जो कोट उतारा ना, उसके बाद तसल्ली से पीटा उनको, है ना। सुनो जी, जब मैं पिट रहा था ना, सिर्फ ये थी मैं और वो सर थे जो मुझे मार रहे थे, है ना। सर, नहीं किसी को नहीं पता चलना था, अपनी खा खू के मैंने घर पे आ जाना था, कोई प्रॉब्लम। इसने बचाओ बचाओ सबको इकट्ठा करके इसने बेइज्जती करवाई। यार कैसा बंदा है। तो फिर आप मार क्यों खा रहे थे, पैसे दे देते, बिल भर देते आप। यार देखो दिखावे के लिए अच्छा था सर, है ना। मार खाते रहना चाहिए सर। पता क्या है, मेरी भी प्रॉब्लम है। मैंने इसको समझाया क्योंकि जैसा हमारा शुरू से माहौल चलता आ रहा है, मैंने तो वैसे रहना ना, मैंने कहा देखो इज्जत आती रहती जाती, पैसा एक बार चला जाए वापस नहीं आता। और मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, इज्जत यहाँ बची है, हम चलते हैं। सर भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, फिर भी हमारे लायक कुछ भी आपके पास फालतू चीज पड़ी हो तो हमें जरूर देना। कर शर्म आनी चाहिए। इसे कहते हैं सबर का फल, मीठा मीठा। थैंक यू। यार एक मिनट लैरी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े सुपरस्टार आए और कोई भी आपकी बची चीज पड़ी हो दे, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए सर। बची नहीं थी। नहीं नहीं, आप हमें कैश दीजिए, हम अपनी मर्जी से खरीदेंगे। फ्रूट दो। अरे महंगा वाला फल दो यार चीची, महंगा वाला। हाँ ये ये ये, अब ये भी बता दीजिए सर, ये खाते कैसे हैं? मुंह से काट के। मैंने मुंबई में आके पहली बार लाल कलर की बंद गोभी देखी है। थैंक यू गोविंदा सर, थैंक यू सो मच, बाय मैम, बाय टीना। चलो इधर अपने घर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.